अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली, तेलंगाना स्टेट से। आज जो अपन बना रहे गाड़ी का वेरिटो गाड़ी, वेरिटो महिंद्रा वेरिटो लास्ट केस बना रहे आज। और ये जो महिंद्रा वेरिटो और लोगान, सॉरी डस्टर, एनआर डस्टर, महिंद्रा वेरिटो, सेम प्रोसीजर लास्ट केस या फिर एडी करने के लिए। ओके भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल महिंद्रा वेरिटो लास्ट केस या फिर डस्टर लॉस्ट केस करने के लिए अगर जो बीसीएम से जो गाड़ी का बीसीएम रहता ये बीसीएम से 95040 आईसी इधर से निकालना भाई। बीसीएम से आईसी को रिमूव करके ये जो इधर बोर्ड के ऊपर डीपी फाइव का सर्किट बोर्ड है, ये सर्किट बोर्ड पे इधर देखिए, इधर 95 सीरीज है, ये 95 सीरीज में या इधर फिर इधर ये दो तरफ सोल्डिंग कर सकते हैं। सो ये जो आईसी है 95040 आईसी है, इसका पिन नंबर 1, ये जो डॉट दिख रहा है इधर, ये डॉट के तरफ पिन नंबर 1 आना चाहिए। और ये पिन नंबर 1 कैसा आइडेंटिफाई करते बोले तो ये जो आईसी देखिए भाई, आईसी पे 95040 ये आईसी है, ये आईसी तो ये जो 9 है इसके डायरेक्ट इसके पैर के इधर नीचे बॉटम 95 के नीचे पिन नंबर इधर से स्टार्ट होता है, पिन नंबर 1 95040 आईसी इस तरह से ये जो 95040 आईसी के ऊपर दिखता है था आपने को, उसके जो बॉटम से ये नंबर के बॉटम से ये पिन नंबर 1 इसके बॉटम से पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 पिन नंबर 3 पिन नंबर 4 पिन नंबर 5 6 7 8 पिन नंबर 1। सो ये जो आईसी का पिन नंबर 1 है, ये 1 आकर ये सर्किट बोर्ड का वाइट डॉट, ये जो वाइट डॉट है वाइट डॉट के ऊपर पिन नंबर 1 रख के सोल्डिंग करना चाहिए थे। ओके, सोल्डिंग करने के बाद में ये जो ओबीडी स्टार डीपी फाइव के मदद से आज अपन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। की प्रोग्रामिंग करने के लिए सर्किट बोर्ड को इधर अटैच करना चाहिए, इधर P001 अडैप्टर ओबीडी स्टार P001 अडैप्टर को इधर अटैच करके इधर से अग्री एक प्रोग्राम इसमें जाना चाहिए। फिर इधर से ई प्रॉम दिख रहा है इधर, ई प्रॉम इसमें जाना चाहिए। वर्शन 34.08 आ रहा है, इधर एंटर दबाना चाहिए। VCI इज अपग्रेडिंग इनिशियलाइजिंग ऑथोराइजिंग, इधर देखिए भाई, इधर ई प्रॉम और PIC फ्री स्केल ई प्रॉम में जाना चाहिए अपने को। सो एंटर, इधर अपने को 4 ऑप्शन आए, इधर रीड पिन कोड, डेटा इनिशियलाइजेशन, डेटा रिकवरी, ई प्रॉम रीड एंड राइट। इसमें अपन पिन कोड को रीड करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पिन कोड रीड पिन कोड फर्स्ट ऑप्शन में जाना चाहिए। इधर एंटर रेनॉल्ट, इसमें जाना चाहिए रेनॉल्ट जो है बाद में डस्टर लोगान डस्टर वेरिटो सेम प्रोसीजर। सो डस्टर सेलेक्ट कर लेके एंटर, इधर देखिए UCH 95040 ये जो अपना आईसी का नंबर है 95040 आईसी, ये आईसी को एंटर दबा दो, इधर एंटर। प्लीज़ कनेक्ट टू P001 अडैप्टर विद डायग्नोस्टिक डिवाइस बोल रहा है, ऑलरेडी कनेक्ट करें अपन, इधर एंटर दबाना चाहिए। रीडिंग डेटा, इधर देखिए रीड सक्सेस, प्लीज़ एंटर द फाइल नेम टू सेव, रीडिंग हो गया बोल रहा है, सेव करने के लिए एक फाइल नेम दो बोल रहा है, वो फाइल नेम जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स देना, मिनिमम 8 लेटर्स देना मिनिमम। सो वेरिटो 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 1 2 3 ओके 8 लेटर्स दे दिया मैं, इधर 8 लेटर्स टाइप करने का आपका मर्जी, जो नाम है तो नाम दे दिए, उधर मिनिमम 8 लेटर्स देना, उधर देने के बाद में डन रीड सक्सेस आ गया, इधर फाइल नेम आ गया, इधर सेव करने के लिए एंटर दबाओ, इनपुट वैल्यू वेरिटो 1 2 एंटर दबा दो, इधर रीडिंग पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड
02007D001EF से पासवर्ड आ रहा है। और ये जो पासवर्ड है भाई, आप कितने बार रीड करते हो उतने बार डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड आता रहता है। ये वेरिटो गार्ड या महिंद्रा वेरिटो गार्ड एक स्पेशलिटी है। आप इधर कनेक्ट करने के बाद में ये पासवर्ड आया, फिर निकाल के फिर से आप नेक्स्ट फिर कनेक्ट करो, फिर कनेक्ट कर दूसरा पासवर्ड आएगा। बस कितने बार कनेक्ट करते कि उतने बार डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड चेंज होते रहता हो। तो महिंद्रा गार्ड में वो सिक्योरिटी फीचर है, वो वैसे आएगा। सो इधर ये पासवर्ड को अगर आप स्क्रीन शॉट निकाल के सेव कर लो गाड़ी को, गाड़ी के पास की प्रोग्रामिंग करने के लिए ये पासवर्ड यूज अपने यूज होता। स्क्रीनशॉट निकाल लिए तो फिर गाड़ी पे जाके पासवर्ड एंटर करने का रहता। अगर फिर इधर एंटर दबा दिए तो ये जो पासवर्ड है ये DP5 में माई डेटा में जाके सेव हो जाएगा। की प्रोग्रामिंग करते जब कुछ भी अपन एंटर करने का कुछ भी नहीं रहता, पासवर्ड एंटर करने का कुछ भी नहीं रहता। सो इधर एंटर बोल के दबा दीजिए भाई। इधर जो अपन सेव करें ना फाइल, पिन कोड रीड करके फाइल सेव करे थे, वो सेव हुआ नहीं हुआ चेक करें, एक बार चेक करें, वेरीफाई करेंगे अपने एक बार। सो वेरीफाई करने के लिए DP में जाकर अग्री, ये जो माई डेटा है माई डेटा में जाना चाहिए। ये देखिए इधर आप वेरिटो 12, ये जो मैं जब से फाइल सेव करा वो फाइल इधर सेव हो गया, देखो इधर। सो पासवर्ड आके इसमें सेव हो गया। तो अपन जब की प्रोग्रामिंग करते जब ऑटोमेटिक पासवर्ड ऑटोमेटिक से ले लेगा, DP5 ऑटोमेटिक से पासवर्ड ले लेके प्रोग्रामिंग सक्सेस कर देगा। इधर दिख रहा है देखो Verito12.bin बाइनरी फाइल निकाल लो। ये जो रेनॉल्ट डस्टर या फिर महिंद्रा वेरिटो गाड़ी का लिए अपन के ओरिजिनल रिमोट विथ ID, ये जो है दो बटन वाला या फिर तीन बटन वाला वो सभी चलेगा। ओरिजिनल रिमोट इसके अंदर ID भी इसके अंदर रहती, ID 46 और 2014 ID 46 आएगा। सो इसमें ऑन टेबल हाफ वर्क इधर कंप्लीट हो गया भाई। रिमेनिंग हाफ वर्क आके गाड़ी के पास जाके की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। की प्रोग्रामिंग करे तो रिमेनिंग हाफ वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर से फिर आप IC को अपना जो सर्किट बोर्ड से निकाल कर BCM में डिसोल्डिंग कर देके गाड़ी को फिट कर देके की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। महिंद्रा वेरिटो में ये जो मॉडल D6 मॉडल से कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फिटिंग कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आएगा। ये D3 D4 D5 में कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नहीं आएगा महिंद्रा वेरिटो में, ओनली फ्रॉम D6। की प्रोग्रामिंग करने के लिए महिंद्रा वेरिटो में की प्रोग्रामिंग करने के लिए ये जो OBD कपलर रहेगा, ये ग्लू बॉक्स के अंदर टूल बॉक्स रहता ना जो लेफ्ट साइड में, वो ग्लू बॉक्स में 16-pin OBD कपलर रहेगा। उधर अपना OBD पोर्ट को उधर से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो निसान टेरानो गाड़ी है उसको भी ग्लोबॉक्स में ही OBD कपलर रहेगा, उधर ही अपन कनेक्ट करना पड़ेगा। उधर गाड़ी में चाबी को प्रोग्रामिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रेनॉल्ट में जाना चाहिए। रेनॉल्ट में जाने के बाद में VCI इज़ अपग्रेडिंग इनिशियलाइजिंग हो रहा टूल ऑथराइजिंग। और इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल अपन प्रोग्राम किस में जाना चाहिए, प्रोग्राम किस में जाने के बाद में इधर डस्टर में जाना चाहिए। फिर इधर के बाद में डस्टर वेरिटो बाय EPROM ID 46 ब्लैंक सेकंड ऑप्शन, उस सेकंड ऑप्शन में जाना चाहिए। इधर एंटर, फिर इसके बाद में प्रोग्राम किस एंटर, स्विच इग्निशन ऑफ करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन ऑफ करके एंटर दबाना चाहिए। कम्युनिकेटिंग हो रहा है। अब इधर अपने को वो जो अपन ऑन टेबल के ऊपर IC हटा कर रीड का पिन कोड रीड करके सेव कराना, इधर सेलेक्ट करना चाहिए। कम्युनिकेटिंग हो रहा है, प्रोग्राम सक्सेस, वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट वन, मेरे को प्रोग्राम नेक्स्ट चाबी करने का नहीं है, ओनली एक ही चाबी बनाने का है इधर। सो इधर एस्केप दबाए तो हो जाएगा। ये जो डस्टर की ओरिजिनल चाबी है दो बटन वाली, आप गाड़ी को टेस्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी को। जो गाड़ी को मैं इग्निशन में डालकर इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, चाबी की लाइट ब्लिंक होना बंद हो गया, अभी स्टार्ट करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट, रेजिंग करके बता रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट। और इसमें ये जो की प्रोग्रामिंग के साथ ही रिमोट प्रोग्रामिंग हो जाएगा। ये जो गाड़ी में रिमोट प्रोग्राम सेपरेट से रिमोट प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट
जब अपन की प्रोग्रामिंग करते हैं उसके साथ ही रिमोट प्रोग्राम भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सेपरेट से रिमोट प्रोग्राम की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ऑटोमेटिकली रिमोट प्रोग्राम भी हो जाएगा। रेनॉल्ट डस्टर, निसान टेरानो, महिंद्रा वेरिटो, लोगान गाड़ी, ये जो गाड़ियों में लॉस्ट केस की प्रोग्रामिंग या फिर ऐड की प्रोग्रामिंग या फिर रिमोट प्रोग्रामिंग करने के लिए सेम प्रोसीजर। लोगान गाड़ी का लॉस्ट केस बनाने के लिए कुछ भी आईसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, DP5 डायरेक्ट पिन कोड रीड करके की प्रोग्रामिंग कर देगा।